आम आदमी पार्टी में प्रेजेंट टाइम में दिल्ली स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हूँ। आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ मैं, पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, और काफ़ी काम किया है मैंने आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को लेके, जो उनके विचार थे उनको लेके। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को क्या लगा कि जो हमारे विचार थे आम आदमी पार्टी के, जो सिद्धांत थे जिनको लेके हम लोग जुड़े थे, वो कहीं खो से गए, दिख नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैरान चल रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, बहुत दुखी थे। और जब हमारे विचार मेल नहीं खा रहे, तो वहाँ रहने का कोई हमारे लिए कोई रास्ता भी नहीं था। इसी बीच में काफ़ी टाइम से हम लोग आदरणीय सर राहुल गांधी जी को देख रहे थे, जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे थे, भारत को जोड़ने की बात कर रहे थे। इतनी लंबी पैदल यात्रा उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए की थी, तो हमारी पूरी टीम बैठ के इन चीज़ों पे ना डिस्कस कर रही थी। मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थमेटिक की बात करते हैं, परेशान लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, सब कुछ अपना लगा रहे हैं दाव पे। और देश का जो माहौल है आज, जो हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र सब खत्म हो चुका है, लड़ाया जा रहा है लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीति की जा रही, वोट बटोरी जा रही है, तो ऐसे माहौल में अगर कोई इंसान भारत जोड़ने की बात कर रहा है, सबको एक करने की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जवानों के लिए नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं की सेफ्टी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या करना चाहिए था मुझे? हम लोग क्या करेंगे? हम सब मिलके बिल्कुल उनके साथ जोड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला के उनको मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले पीढ़ियों को हम कोई संदेश दे सके कि हमने देश के लिए काम किया है। और इन्हीं विचारों के साथ, राहुल गांधी जी के इन्हीं विचारों के साथ जुड़ के मैंने कांग्रेस में आने का फैसला किया। जय।